तो आने वाले समय में 40,000 अगर आपको मिलेगा तो उसकी वैल्यू 17-18,000 होगी ना, तो बहुत ही इनफ होगी। साथ ही आपको यहाँ पे 2 करोड़ से ऊपर आपको अमाउंट मिल रहा है, इसकी वैल्यू जो होगी कम से कम 80 लाख रुपए तो होगी। अब बताइए आज के समय में 80 लाख की वैल्यू है कि नहीं है, है ना 80 लाख की वैल्यू। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर ये आपके जेब में 2 करोड़ रुपए होंगे और आप 40,000 रुपये महीने की पेंशन ले रहे होंगे, आपके पास 40,000 रुपये हर महीने आ रहे होंगे, कौन आपकी इज्जत नहीं करे। 50 साल की उम्र के बाद आप रिटायरमेंट ले लीजिए, 20 साल अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपकी एज हो जाती है 70 साल। 20 साल अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है 70 साल। अब 70 साल की उम्र में आप अगर अपने पास 2 करोड़ रुपए रखे रहेंगे भाई, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही स्वर्ग बनी रहेगी। अब क्या चाहिए यार, 1 लाख रुपए सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। यहाँ पे 2,36,00,000 आपका फाइनल बैलेंस बचेगा, आपने 96 लाख रुपए टोटल निकाल लिया है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, सिर्फ आपको 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है बस, उससे ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और आप महीने की 40,000 रुपए तक पेंशन ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, महीने की 40,000 रुपए पेंशन ले सकते हैं सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। ऐसा क्यों करना है दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है बिल्कुल रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर, कि आपको अपने रिटायरमेंट प्लानिंग जरूर करनी है। और वो क्यों करनी है, क्योंकि दोस्तों जिसके पास पैसा है उसकी इज्जत है, उसका मान है, उसका सम्मान है। बुढ़ापे में औलाद कैसे निकलेगी कौन भरोसा कर सकता है भाई। आज ही आप देख रहे हैं अपने आसपास देख लीजिए, बहुत से ऐसे पढ़े लिखे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, लेकिन उनके माता पिता कहाँ पे हैं, वृद्धाश्रम में हैं। तो कौन सी सिचुएशन आ सकती है, क्या आ सकता है, कोई किसी का भरोसा नहीं कर सकता। आप कितना भी अच्छा संस्कार दे लो लेकिन कुछ भी काम नहीं आने वाला है आगे आने वाली पीढ़ी में, आगे आने वाले समय में। इसलिए हमें पहले से ही रिटायरमेंट प्लानिंग लेके चलनी है, अपने छोटे से अमाउंट को अपने बुढ़ापे के लिए जरूर इन्वेस्ट कर देना है, जो कि हमें रिटायरमेंट के वक्त में एक अच्छा अमाउंट दे पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही बात करेंगे, जिनके पास पैसा है उसका मान है, उसका सम्मान है, उसकी इज्जत है। आप जितना कमा रहे हैं आपकी उतना ही ज़्यादा इज्जत होने वाली है, तो इसलिए पैसा बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फ्यूचर को एक अच्छा और ब्राइट बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर लेनी चाहिए, और बहुत ही बड़ा अमाउंट आपको नहीं इन्वेस्ट करना है, छोटा सा अमाउंट तो आपको इन्वेस्ट करना है। इसीलिए आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, मैं आपको इसमें रिटायरमेंट प्लानिंग की बहुत ही असली सच्चाई आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज आप चाहे जितना कमाते हो, चाहे आप 10,000 कमाते हो, चाहे 20,000, चाहे 1 लाख, चाहे 2 लाख, चाहे 5 लाख कमाते हो, बट आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग तो जरूर कर लेनी चाहिए, और आपको करनी ही करनी है। ठीक है, चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि आप 40,000 रुपए की पेंशन लेंगे अपने रिटायरमेंट के वक्त में। तो ऐसे में कई सारे लोगों का सवाल होगा कि भाई वहां पे इन्फ्लेशन भी तो होगा, महंगाई भी बढ़ेगी, तो 40,000 रुपए की वैल्यू क्या रहेगी। तो दोस्तों इसको भी हम आगे वीडियो में समझेंगे, तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक आपको देखना ही पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आपने अपना 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए अपना इन्वेस्ट करे हैं किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में जहां पे आपको लगभग 15-20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि इतना ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देने वाले कौन से म्यूचुअल फंड है, तो मैं आपको यहां पर बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड है, SBI का म्यूचुअल फंड है, निपॉन इंडिया का म्यूचुअल फंड है। इसमें अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिटर्न देखने को मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 1 लाख रुपये सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना है, बट ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पैसे को डिवाइड करके अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देना है जहाँ पर आपको 15-20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा हो। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल के तौर पर HDFC म्यूचुअल फंड का, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ऑल टाइम में जो आपको यहां पे रिटर्न देखने को मिला है, ये मिला है 20.25% का रेट ऑफ रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न माना जाता है। और यहाँ पे अगर आप HDFC म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना बढ़िया रेट ऑफ रिटर्न देखने को मिलता है, मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि आपने अपना टोटल इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये आपने लमसम में वन टाइम में इन्वेस्ट कर दिया अगर HDFC म्यूचुअल फंड में, यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 20.25% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। लेकिन हम यहाँ पे इस रेट ऑफ रिटर्न को नहीं मानते हुए सिर्फ मान लेते हैं कि 18% का ही हमें रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, 20% नहीं मिल रहा है। तो 18% के हिसाब से जो हमें एस्टिमेटेड इस पे रिटर्न मिलेगा, यह मिलेगा 61.67 लाख रुपए का, सिर्फ रिटर्न ही रिटर्न मिलेगा। और यहाँ पे हमारे फंड की टोटल वैल्यू जो बनेगी 62,67,000 रुपये बन जाएगी। 1 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया, आपके फंड की वैल्यू 62,67,000 बन गई। कैसे बनी, आपको यहाँ पे 25 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखना है। अब कई सारे लोगों का ये सवाल होगा, ये तो 25 साल का पीरियड बहुत ही लंबा है, कौन इतना लंबे समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, पता नहीं कौन रहेगा, पता नहीं कौन जाएगा। भाई अगर कोई चला गया तो ठीक है, चला गया कोई बात ही नहीं है,
बट अगर गलती से आप रह गए तो क्या होगा आप बताइए। इसीलिए अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग जरूर करनी है, क्योंकि मैं इस वीडियो में पहले ही कह चुका हूँ कि यह वीडियो रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर होने वाली है। तो अगर आपने अपने 25 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका 62,67,000 रुपये हो गया। अब इस पैसे को आपको SWP में कन्वर्ट कर देना है। अपने पैसे को जब आप SWP कर देंगे 62,66,863 रुपये को, 18% का रेट ऑफ रिटर्न मिला है, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे 20% का रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है म्यूचुअल फंड में। तो यहाँ पे 18% के रेट ऑफ रिटर्न से हमारा 62,66,863 रुपये जो बना है इसको हमने SWP कर दिया। अब यहाँ पे हमें करनी क्या है, 40,000 रुपये पर मंथ की हमें पेंशन निकालनी है। अब 40,000 रुपये पर मंथ की पेंशन अगर आप विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इस पे एस्टिमेटेड रिटर्न मिला है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12% का रेट ऑफ रिटर्न मान के चलता हूँ SWP में, उससे ज़्यादा भी रेट ऑफ रिटर्न मिलते हैं तो मैं यहाँ पे 12% खाली मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 12% का रेट ऑफ रिटर्न मिल जाता है, इतना तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो आपने 20 साल तक अपने पैसे को निकाला, ठीक है, आपने 40,000 रुपये 20 साल तक अपना निकाल लिया, तो आपके जो फंड में आपने टोटल विड्रॉल किया है, टोटल पैसा आपने जो निकाला है 40,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, वो आपने 96,00,000 रुपये निकाल लिया। 1,00,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया, 40,000 रुपये पर मंथ की पेंशन के हिसाब से आपने 20 साल में अपना 96,00,000 रुपये निकाल लिया। यहाँ पे आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 2.7 CR का मिलेगा। आप साथ ही साथ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, 2.7 CR का आपको सिर्फ और सिर्फ रिटर्न मिलेगा और यहाँ पे आपके फंड की टोटल वैल्यू बनेगी 2,36,00,000 रुपए की। अब क्या चाहिए यार, 1,00,000 रुपए सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पे 2,36,00,000 आपका फाइनल बैलेंस बचेगा, आपने 96,00,000 रुपए टोटल निकाल लिया है। अब क्या चाहिए आपको, इससे अच्छी भी कोई चीज़ हो सकती है क्या, सिर्फ आपको 1,00,000 इन्वेस्ट करना है। अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे, भाई ये बताइए आफ्टर इन्फ्लेशन 25 साल बाद इन्फ्लेशन क्या होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर 1,00,000 की वैल्यू यहाँ पे बता रहा है कि 23, 24, 25 से लेकर 35,000 तक होगी। ठीक है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 1,00,000 की वैल्यू 23,000 होती है या फिर 35,000 होती है, तो यहाँ पे मैं 40,000 की वैल्यू क्या 15,000 नहीं मान सकता, मैं 40,000 की वैल्यू 15,000 मान लेता हूँ, 18,000 मान लेता हूँ। अब ये बताइए कि 18,000 में आज एक फैमिली का गुजारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर आप वृद्ध हैं, आप हैं, आपकी वाइफ हैं, तो 18,000 रुपये महीने में क्या आप आज के समय में खा नहीं सकते कि पहन नहीं सकते कि रह नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते। 18,000 आज के समय में बहुत ही इनफ है, तो आने वाले समय में 40,000 अगर आपको मिलेगा तो उसकी वैल्यू 17-18,000 होगी ना, तो बहुत ही इनफ होगी। साथ ही आपको यहाँ पे 2,00,000 से ऊपर आपको अमाउंट मिल रहा है, इसकी वैल्यू जो होगी कम से कम 80,00,000 रुपये तो होगी। अब बताइए आज के समय में 80,00,000 की वैल्यू है कि नहीं है, है ना 80,00,000 की वैल्यू। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर ये आपके जेब में 2,00,000 रुपए होंगे और आप 40,000 रुपये महीने की पेंशन ले रहे होंगे, आपके पास 40,000 रुपये हर महीने आ रहे होंगे, कौन आपकी इज्जत नहीं करेगा, कौन आपको वृद्धाश्रम भेजेगा बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिसके जेब में मनी है उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप पैसे कमा रहे हैं तो आपकी इज्जत समाज में बनी रहेगी, आपकी इज्जत घर में बनी रहेगी। तो उस समय भी अगर आप कहीं से इनकम जनरेट कर रहे हैं, आप किसी पर आश्रित नहीं हैं, तो भाई आपकी इज्जत तो वैसे ही बनी रहेगी और आप बिल्कुल खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। तो आप इस बात को गौर करिएगा, अगर आपकी उम्र अभी 25 साल है, ठीक है, 25 साल आपकी उम्र है, आपने 25 साल अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया, यानी कि टोटल आपका 50 साल एज हो गया। 50 साल की उम्र के बाद आप रिटायरमेंट ले लीजिए, 20 साल अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपकी एज हो जाती है 70 साल। 20 साल अगर आप पेंशन लेते हैं तो आपकी उम्र हो जाती है 70 साल। अब 70 साल की उम्र में आप अगर अपने पास 2,00,000 रुपए रखे रहेंगे भाई, तो आपकी ज़िंदगी वैसे ही स्वर्ग बनी रहेगी, आप ये समझ लीजिए। तो आप इस बात पे गौर जरूर करिएगा, ये वीडियो बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला है अगर आप इस बात को गौर करेंगे तो। यहाँ पे आप पेंशन भी ले रहे हैं, आपके साथ साथ आपका 2,00,000 का अमाउंट भी है और आप बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक चीज़ आपको बता दें, अगर आप अपना 50,000 रुपये सिर्फ इन्वेस्ट करके 1,00,000 से ऊपर का अमाउंट बनाना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि सिर्फ 50,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट है लेकिन आपकी फंड की वैल्यू 1,00,000 रुपये में बनेगी, तो इस वाली वीडियो को देखना मत भूलिएगा। तो आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।